हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के नागिन शो के बारे में। तो गाइज, नागिन के फैंस के लिए है मेरे पास बहुत ही अच्छी न्यूज़, और वो न्यूज़ ये है कि नागिन की होने जा रही है टाइम स्लॉट चेंज। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ महीनों पहले, एक्चुअली कुछ हफ्तों पहले, नागिन 6 की टाइम स्लॉट चेंज कर दी गई थी। इसकी ओरिजिनल टाइम स्लॉट जो थी प्राइम टाइम स्लॉट 8 बजे की, उससे इसको हटाकर 1 घंटा पीछे कर दिया गया था और 7 बजे की शाम की टाइम स्लॉट पे भेज दिया गया था। वैसे इसने 7 बजे की टाइम स्लॉट, जो भी मुश्किल होती है जहाँ पर टीआरपी लाना, उस पर भी बढ़िया परफॉर्म किया था, बहुत अच्छी टीआरपी लेकर आ रहा था चैनल के लिए। लेकिन अब फाइनली इस शो को अपनी पुरानी ओरिजिनल टाइम स्लॉट जो है वो वापस मिलने वाली है, यानी 8 बजे की टाइम स्लॉट पे नागिन 6 अब वापस रिटर्न करने वाला है। अब अगले हफ्ते से, यानी कि अगले सैटरडे से, आपको जो देखने को मिलेंगे नागिन 6 के एपिसोड्स, वो 7 बजे की जगह 8 बजे की प्राइम टाइम स्लॉट पे देखने को मिलेंगे। और फिर नए साल में जब ये एंड हो जाएगा, जो कि इसको एक्सटेंशन मिली थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो नया सीरियल आएगा इसको जो रिप्लेस करेगा, जो कि करण कुंद्रा और कश्मीर महाजनी का नया शो होने वाला है, वो इनको 8 बजे की प्राइम टाइम स्लॉट पे ही रिप्लेस करेगा। अगर आपने उस शो के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, किसी एक वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में खोल के। वैसे नागिन 6 के जो फैंस हैं उनके लिए बढ़िया न्यूज़ होगी ही, बिकॉज अब ओरिजिनल टाइम स्लॉट पे जब शो आएगा, तो जो लोग नहीं भी देख पा रहे थे 7 बजे की टाइम स्लॉट पे, बिकॉज शाम पे लोग कई बार कई जगहों पर बिजी होते हैं और फिर बाद में वोट वगैरह पर देखना पड़ता है, तो उनके लिए डेफिनेटली काफ़ी सही न्यूज़ है कि नागिन 6 फिर से अपनी ओरिजिनल टाइम स्लॉट जो है 8 बजे की वहाँ पर रिटर्न कर रहा है। और इसी से टीआरपी में इंक्रीज़ भी हमें देखने को मिल सकता है। वैसे इसकी टीआरपी में कोई डिक्लाइन तो हुआ नहीं था टाइम स्लॉट चेंज के साथ। कमेंट्स में बताइए आपकी इस पर क्या राय है। अगर आप इस शो के फ़ैन हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिए नागिन के फैंस के साथ। कलर्स नागिन की सारी अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।